ये सुत्ते की जगह चला उठे यहां से। हाँ भाई उठे काली ना लगाई क्या घंटा चला उठा। गोली नंबर 440 हाई वोल्टेज डंडा मरने पर पटक दे ली। ठंडा दिमाग में रही ले डंडा ना दिखा। अरे रंगबाजी हम खूबे जानी इमत भूली हा। मटका गरम भइल तो मामा केहू के छोड़ी ना। दिमाग में रही ला डंडा ना दिखा। रंग बाजी हम खूबे जानी मत भूली हा। माथा पर हम बोझा ढोई जीवन के संग हम तो खेली। अरे माथा पर हम बोझा ढोई जीवन के संग हम तो खेली। मटका गरम होए तो मामा ओ मामा ओ मामा मटका गरम होए तो मामा क्यों के छोड़ी ना। चाहे तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। चाहे तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग बाबू बोले है कुली भाई कुली लोग को कुत्ता बिल्ली तू अब समझना। मटका गरम होए तो मामा केहू के छोड़ी ना। चाहे तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। चाहे तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। गरम हो तो मामा क्यों के छोड़ी ना। तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। ठंडा दिमाग में रही ला ठंडा ना दिखा। रंगबाजी हम खूबे जानी मत भूली हा। माथा पर हम बोझा ढोई जीवन के संग हम तो खेली। माथा पर हम बोझा ढोई जीवन के संग हम तो खेली। मटका गरम होए तो मामा ओ मामा ओ मामा मटका गरम होए तो मामा केहू के छोड़ी ना। चाहे तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। चाहे तकलीफ जितना हो हक मेहनती लोग हैं। मामा जितना हो हक मेहनती लोग हैं। अरे मैं हूं ना दियो हक मेहनती लोग हैं। बजे से पहले न हेली न डुली। काहे? आज गांधी जी के मृत्यु दिवस था ना। 12 बजे तक बिना अन्न जल के रही। तब तक का हम के खड़ा रह के पड़ी। हाँ 12 बजे तक।
का ऐसी कछुआ बहुत बढ़िया अरे बढ़िया सवाल कट जाए तो पैसा दी सामान रख दे ले का हाँ साहब रख देने पैसा दी पैसा ये गरीब टैक्सी वाले का गांस तोड़ लेना पैसा जल्दी से दे देना है तो बहुत मारा जल्दी कर इस स्टेशन का नाम क्या है बीरपुर या बीरपुर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक 100 किलोमीटर के अंदर अगर तू सब दिखाई पड़ला ना तो इतना मारब की जौन माए तो का पैदा कैले बहु तुहार माए भी तो के ना पहचान पाई बुझा गई ना जा अरे जा टैक्सी कांच लगवा ली है जी जा लाई थैंक्स काहे लिए मैडम काम के लिए खातिर या मारपीट के लिए खातिर दोनों खातिर बाद वाले खातिर मैडम भाड़ा लागी 20 रुपया ठीक है चला बाबूजी 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 हमार बेटी का हाल बात हुआ आपके बहुत मिस करत रहली कैसे हैं आप तोहरे जैसन याद करते तो है तुहे तो मालूम बा कितना बार घड़े देख चुकल है का करती बोले स्टेशन पर उतरते ही झगड़ा में पड़ गई ली यही से कहत रहले कि स्टेशन पर गाड़ी भेज देते हैं लेकिन तुम मान लो ना बाबूजी झगड़ा हमसे ना भइल आज ही कुली से मुलाकात भइल ओके भूली ना बाबा थई गरीबा यही से हम लोग ओके पसंद ना करीला पर ओमे भी अच्छा लोग होला ओकर भी मन होला मानवता होला अरे वो सब कुली के बात छोड़ा सफर से आई ना चल के थोड़ा आराम करना चला चली Thank you.
कॉलेज में भर्ती ना हो बा भाई के तरह कुली का काम कर जरूरत पड़ी तो वो भी करब तब भी तो लोग से कह सकब कि नीलज की तरह बैठ के रोटी नहीं की तोड़त एक मारो बंदर बहुत बड़ा हो गया लड़का बड़े भाई के कंधा पर बैठने में शर्म आवत है जब तू छोटा था तब से तो के पल्ले है बहुत कष्ट आले है लोगन के दरवाजे दरवाजे गली लेकिन कब तो के कंधा से नीचे ना उतरली माई से वादा करी रही कि हम कितना भी कष्ट उठाए लेकिन तो के कष्ट ना हो दी अब माई के का जवाब दे बोला भैया भैया विश्वास करा हम कब्बू तो के कष्ट देल ना चाह ली शहर में पड़े खातिर बहुत रुपया की जरूरत है कॉलेज के फीस हॉस्टल के खर्चा और किताब कापी के खर्चा कितना कितना एक के जगह ही 10 लाख ही दे बहे लेकिन कब तुम्हें अपने कंधा से नीचे ना उतरे दे बहे हमारा तो सिर्फ एक का सपना है हमारा भाई बहुत बड़ा आदमी बना और बड़ा बनकर जब गाड़ी से उतरे ओकर बैग सिर पर उठा के चली तो लोग बोलिए कि देखा कुली नंबर 440 का भाई जाता हमारा भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है भैया भैया हम कॉलेज में पढ़े जाए भैया तोहर हर सपना हम पूरा कह के रहे भैया तोहर हर सपना पूरा कर भैया आई हमार स्नेहमयी छाया दिल में रखब हो तोहके सारा जीवन हब हम कब नहीं दूर करे भो केहू जाने ना हाँ केहू जाने ना कितना बात याद बा आज भी हो हाथ धरी तो होके चलौली धीरे धीरे हो छोटे छोटे कितना बात याद बा आज भी हो हाथ धरी तो होके चलौली धीरे धीरे तूने ना के सामने भाई हमारे साथ में बड़ा करी तोहरा से प्यार के सामने भाई हमारे साथ में बड़ा करी तुम्हारा से प्यार हो भाई हमार स्नेह में छाया दिल मेरा कब हो तुहके केहू जाने ना हाँ केहू जाने ना कॉलेज का पहला दिन है आज हमर कोनो खास क्लास नहीं है का करे बोलो तो ए फासी यार अरे हमरा ऊपर भी दया दृष्टि डाला ना भगवान तोहार भला करी है पागल है का रे लड़की हंस के चल गई तू कोनो ध्यान ना देला हमका अच्छा ना लगेला का लड़की के हंसी तर अच्छा ना लगे अरे उ लोग के अंदर काका छिपल बा कबो मालूम करे के कोशिश कइला चुप करवा के नहीं हम अपने ही परेशानी में पड़ल हैं का रे का भइल ये तरह से कितना दिन चली महीना खत्म होता भैया कौने तरह पैसा भेज ले हमके मालूम है चिट्ठी लिखला पर पैसा भेज ले अगर खुद कौनो काम में लग जाती तो एक काम करो खाली टाइम में कहीं काम पर लग जा हमारा जान पहचान का कॉफी शॉप बा कहने से काम हो जाए कॉलेज बंद होते ही वहां चल जाए करो चाय के दुकान पर काम करें चाय ने लल्लू कॉफी दोनों का टेस्ट अलग होला लग जा अरे रामकृष्ण जी कहले हुए लज्जा बिना भय ना होके अरे श्योर रामकृष्ण जी कहले हुए श्योर तो ना लेकिन बहुत सारा लोग के मुझसे यह बात सुनने हैं हमार बात मान ला तू समझ ला चुप ना निकल ला पतली गली बड़े वाला लड़का के सिगरेट ना पिए की चाहिए बहुत खराब लागत है
का भाई ठीक हुई कि नहीं? मैम साहब, साहब से कलर है कि गाड़ी खराब हो जाए बीच में, सर्विसिंग करा ली, मान ली ना। होपलेस। ये रखता कितना पैसा भाई? ये ला। अरे आप गाड़ी खराब हो गई का? अरे पूछी मत। कौनो टैक्सी मिल सकेला का? मिल भी सकेला और नहीं भी। हम गाड़ी देख सकेला का? आपका गाड़ी ठीक करीला? अरे बहुत कुछ सीख ले हैं, घाट घाट का पानी पीले हैं और पानी पियत पे बहुत कुछ सीख ले ले हैं। पता नहीं कौन काम पेट खाती रोजी रोटी बन जाए। अरे भाई बैठा बैठा बम का पाइप निकल गए है बस। स्टेशन छोड़ के ई रास्ते पे कैसे आई है? का करी, रेल रोको आंदोलन है। स्टेशन पे माखी बिल बिना दिया, लेकिन माखी उड़ोले से काम ना चली, पैसा चाहिए। भाई के कॉलेज के फीस, हॉस्टल का खर्चा, अरे बाबा आज 500 रुपया कोनो भी तरह से भाई के भेजे के हमें। अरे पापा आप तो पूरा गाड़ी का दाम दे दे। 500 रुपया में गाड़ी ना मिली? ये जरा सा काम खातिर इतना रुपया मजूरी ना होली? मजूरी ना दे ली हा, दोस्ती के हाथ बढ़ाव ली हा। सीमा उपाध्याय, दोस्ती शुरू होला एक हाथ से और पूरा होला दूसरा हाथ से। शंभू अरे स्टेशन मास्टर कहाँ बड़े? सो रहा है। सुबह से काम ना चली, आज हमारी बेटी के शादी है। आपके बेटी के शादी का रेलवे लाइन पर हुई? रेलवे लाइन पे काहे हुई, हमार घर पे हुई, हम खुदे कन्या दान करब। शादी के समय स्टेशन मास्टर की जरूरत कैसे आन पड़ल? जा जा भाई हम किस ना, सुबह से काम ना चली, नहीं तो हम रेल के नीचे सर रख दे। आज तो रेल के नीचे सर रखे से फायदा ना। रेल रोको आंदोलन चल रहा बा, ट्रेन चले ना। समस्या तो यह बा ना, हम मर भी नहीं सकत और जिए के कोनो चांस भी नहीं खे। एक ही तो बेटी दिया, शादी बा ओकर और शादी के दिन मोतीलाल के रसगुल्ला खाए के बाद अगर ये रसगुल्ला ना पहुंचल तो जाना तारा का हुई। एमे का रसगुल्ला है? एकदम बढ़िया वाला, मोतीलाल खुद अपना हाथ से बनवा के भिजवाया है। गाड़ी चली तब ना? आज चला। तू चिंता मत कर, जहाँ पर भेजी क्या ठीक पहुँचा दी। तोरी बेटी के शादी भैया और शादी के दिन मोतीलाल के रसगुल्ला खाए के? हाँ तू जी बिल्कुल चिंता मत करा। लखोला बोला अपने बेटी के पता? कीरपुर स्टेशन पे उतर के सीधा दाहिने फिर बाएं जाके, फिर थोड़ा आगे जाके दाहिने फिर बाएं चाय के बाद, फिर थोड़ा आगे जाके फकीरपुरा में जोन सफेद रंग के घर बा उहे हो। समझ गए रघुआ, निश्चिंत होके जाए सेठ, ये रसगुल्ला से ही आपकी बेटी के स्वागत पूरा हुई। धन्यवाद आपके भी। लड़की की उम्र लंबी हो गए। अरे ये लड़का के कॉलेज में देख ले हैं, एक मिनट रुका। एक्सक्यूज मी, कॉलेज के सबसे होनहार छात्र कॉफी शॉप में झूठा का बटा था, शर्म बात के नहीं? नहीं कैसे के तौरे जैसे हम कहो अमीर बाप के बेटा ना है, ये ढेर सारा पैसा देके कॉलेज भेजी, ये काम के बदले कुछ पैसा मिल जाए, वो पैसा से हम कॉलेज के फीस, हॉस्टल के खर्चा और किताब खरीदब, ये तरह हमारे भैया का बोझ थोड़ा सा कम हो जाए। कल से तो हमके ट्यूशन पढ़ेगा, ये रहा एडवांस। हो
काम तो के पढ़ाई। हाँ और कभी ये तरह के काम मत करी, हाँ खराब लगेला। ये तो बहुत अच्छा भाई, हमके तो लागत बा लड़की तो के उठाओ चाहती है। मतलब? मतलब ये कि जैसे हम लड़के को उठाओ थे, ये केस बिल्कुल उल्टा। हम ओके पैसा वापस कर दें। एकरा कहल जाला बॉयलर मुर्गी, सिर्फ देखे में तगड़ी होले, अंडा ना मिले। अरे तोके पैसा के जरूरत है ओके टीचर के? झूठा बर्तन उठावे से तो अच्छा ही है, बड़े सम्मान के बात है। अरे विद्यासागर जी कहले हुए जहाँ से भी अन्न और प्रेम मिले फेंके के ना चाहिए, लेवे चाहिए। अरे श्योर विद्यासागर कहले हुए? श्योर तो नहीं, लेकिन यह तरह के ज्ञान के बाद विद्यासागर ही कह सकेले। हम ओके ना पढ़ाई। बाद हमारे शुभो आई। ठीक है माई, चला अपना कमरा में चला। आप चल के उधर बैठे, हम वही आवत है। चला चला माई। हमारे शुभो, हम तुम्हारे बाबूजी से कह ले रही, शुभो जरूर आई, वो हमके छोड़ के नहीं ना सकेला। शुभो शुभो देख ली ना, पढ़ लोगों के लेकिन के कितना सुख होला। तो हर माई हर समय एक ही बात रटत रहेली, भैया आई है। हर इंसान में माई भैया कहीं ढूंढत रहे। हम उस समय बहुत छोट रही, ठीक से याद भी नहीं थे। अब जब बड़ बहिनी तब पता चला हमके कि हमारे गो बड़ भाई भी है जे हिरा गई। खूब प्यार करत रहे भैया की माई, अब भी वो खाली भैया के ही प्यार करेली, हमरा खातिर कुछ भी ना रख ली। कभी कभी भैया पर बहुत गुस्सा आवत है, अगर वो मिल जाते तो उनसे बोलती आवा ना भाई, माई के प्यार दो हिस्सा में बांटनी हल जाए। दीदी माई सांस नहीं हो थी, हम भी चली का तरफ आते आवा। शुभा शुभा अपने शुभो के अपने पास कहे ना आवे देता हुआ। शुभो ए हमें माई कहा शुभो? हमार शुभो हमार शुभो, माई की तकलीफ देखे बहुत मजा आवा थे ना। तुम्हें तो मालूम है कि तुमके छोड़ के जेल में कितना कष्ट होते, आपके छोड़ के अपना जी बना ना तो तुम माई मर जाए। माई माई हम तुम्हें तो छोड़ के कहीं ना जाए, माई तुम्हें तो छोड़ के कहीं ना जाए। माई सच बोलत बाड़ा, हम हमेशा तुहरे पास रहे माई, हर समय तुहरे पास रहे। आपके छूट के कहीं मत जाइया। माई से इतना बड़ा झूठ काहे बोल लो तू? झूठ बात ओए कि माई के छोड़ के कहीं ना जाइबा, हर समय माई के पास रहबा। हमके तो आवे के ही पड़ी तोहे पढ़ावे, बस अब हफ्ता में तीन दिन के जगह रोज आई। और हाँ ये के लिए हमारे फीस मत बढ़ा दिया, चलो थे। ये लड़का की है? देवेंद्र हमारे टीचर हवे, बहुत ही होनहार लड़का है, हॉस्टल में रहेला। एकरा फैमिली में के बा? एक के अलावा हमके कुछ नहीं के मालूम, एंड दैट्स इन अ फॉर्म मी। कल जब आइए तो बाकी खुद ही पता कर ले। हाय मैं हूँ शालिनी और अभी फिलहाल हम आपके साथ काफी देर तक हूँ, दिल के हाल जानने और सुनाने खातिर। हेलो हम गायघाट से सीमा उपाध्याय बोल रहे थे। पीछे रह गई सीमा प्यार के लिए, तो ये सुन के तुम्हार मन का कहते, दोस्ती के साथ प्यार खत्म भया या फिर दोस्ती के साथ प्यार शुरू भया? दोस्ती शुरू होता एक हाथ से और पूरी होता दूसरे हाथ से, यही संपूर्णता से
जन्म लेते है प्यार। सीमा लागे थे तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है, चिंता मत करा, मैं हूँ ना। चलो यही बीच हम दोस्ती के एक हाथ से दूसरा हाथ मिलवा देते, तैयार रहा।
तारा ढूंढत रही। तनी बाहर गए रही, कैसे नहीं आप? हमका खराब रह सकत है, तू जी मिल गई हवा। वाह, ये मिल गई तो हमार कौनो मोल नहीं खे ना। ऐसे मत बोला बेटी, हमने लिए तो दोनों के मोल एक ही समान है। वैसे शुभो बड़ा है, यही से ओकर मोल हमरे लिए ज्यादा। एकदम सही कह लिया, और हम अपन दाम पूरा पूरा वसूल करब। ठीक है। अरे तोहर हार कहाँ गई? कैसा हार? उही जो तोहर गला में रहत रहे, हम तोहरे जन्मदिन पे देले रही। तोहरे लड़का हवे ना, कब के हेरा देले होई है हार? ठीक बा, हम तोहर बाबूजी से कहा, वो ठीक ओइसने हार बनवा दिया। हार के बिना का गला अच्छा लगे ना? ठीक कहलो। अरे तू लोग ऐजा बड़ा, तोरा संगे बात करे के हा। रहुआ की का बात करे के हा? सारी बात तू ही करबू, हमरा कुछ ना कहे देबू। 5 मिनट के अंदर तुहार बेटा के छोड़ दे। सिर्फ 5 मिनट? हाँ। आवा बैठा। के बा तोरा घर में? हमरे भैया के छोड़ के हमार केहू नहीं के। का करे लन तुहार भैया? स्टेशन पर कुली हा, हमारे को बात मन बा। हाँ बोली ना। तू हॉस्टल छोड़ दा, यहाँ हमार घर में आके रहा। ये कैसे हुई? आखिर में परेशानी का बा? तू यहाँ ये घर में हमरे लड़का जैसन रह बा। एकरा अलावा मीतू के माई गलती कर ले तो एका मतलब का हम भी गलती करी? भैया के आज्ञा के बगैर हम कौनो भी काम ना करते हैं, और फिर दूसरे के घर में रह के आज्ञा वो कब्बू ना दिए, ऐसा ना हम कब्बू ना आई। सॉरी, हम तोरे जज्बात के छोटा करके देखे कोशिश नहीं करते देवेंद्र। हम तो डूबत चाहत जैसन है, तनिक सा सहारा पाके जिए की कोशिश करत है। आज बहुत दिन के बाद ममता के मुंह पे हंसी देखनी है, और ओकर कारण तू हवा। ममता के मुंह पे हंसी बनल रहे यही से हम तोरा से भीख मांगत है, तू मना मत करिया। एकरा बदले में तू हमरा से जे कुछ भी मांगबा हम तोरा सब कुछ दे, सिर्फ हमरा ना मत करिया। लेकिन जब उनके सच मालूम पड़ जाए ओकरा सामने एक तू ही सच। का भाई राउल बात खत्म ना भाई, 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगा देनी, इका खाई पी नहीं। अरे हम भी तो यही कहते हैं ना। चल जा जा, चला जा, जा बेटा, रहुआ भी आ जाई। हाँ हाँ हाँ। का भाई 729 अब डिरेल हो गई, मेन लाइन से कौनो भी गाड़ी नहीं आई। ठीक भाई, रेलवे सुत गए, तू हो सुत जा, हम और सुता था। ऐसे कैसे हो गई भाई? जौन तरह से होता वैसे ही हो गवा। अरे बाबू, ये पतली पतली लाइन में इतनी मोटी मोटी गाड़ी इतने सारे लोगन के साथ ऐसा लेके इतनी जोर से आई जाई, इका संभव है हर समय? एक ने एक दिन तो पटरी से उतरे के रहे उतर गई। अरे भाई हमारा एक से काले भी देवे के बा, लेकिन हमार बेटी के शादी रहे। का कहले? क्या मतलब का? अरे शादी के समय हमार बेटी के मोतीलाल के रसगुल्ला खाए के रहे, रेलवे ने जिम्मेदारी भी ले ले रहे, लेकिन रसगुल्ला तो पहुंच भी ना कहीं पहुंचल ना, ना। गाड़ी लेट हवे, चिंता मत करा पहुंच जाई। अरे पहुंच के का हुई, लड़की की तो बच्चा भी हो गई। सच्ची बात है, लड़का या लड़की? लड़का। आज छठवां दिन हो, हमार लड़की प्रण कैले रहे कि छठी के दिन पूरा खानदान के मिठाई खिलाई। मोतीलाल के? नहीं, ओकर भाई हीरा लाल के। काम मिठाई बनावे ला हीरा लाल। लेकिन जाई कैसे? 729 अब तक डेरेल है, मेन लाइन में तो कौनो गाड़ी आई ना। तब फिर का होई? हम आई ना। अरे बाबा तो हाल लड़की प्रण कैले बा कि छठी के दिन पूरे परिवार के हीरा लाल के मिठाई खिलाए, रेलवे के भी कुछ फर्ज बा ना? ना हम कर दा। ये फिर से तो लेट ना हुई ना। बार बार थोड़ी होता, आपकी बार पहले ही पहुंच आए। धन्यवाद। तो है भी आपके भी। आप यहाँ घर खोजे में कोनो परेशानी ना भइल? यहाँ तो सब केहू आपके जानत है। अचानक हमरे घरे काहे? आपके हमरा साथे तनिक चले के पड़ी,
लेकिन हम तो स्टेशन जाते हैं। हम स्टेशन से ही आ रहल हैं। कुछ घंटा खातिर ट्रेन बंद बा, आपके नुकसान ना होई। चली 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 ये ठीक रही, इसे पैक कर दी। से बेसी चाहिए तो बोलिया भिजवा दे। दो सवाल, एक आपके हैं, दूसर एक काहे खातिर? एक हम सीमा के बाप हैं, दू आज से सीमा के आस पास भी तू दिखे मत। हमार बेटी जो तारा के ढेलस दया के हिसाब से मान ला, और हम जो तारा के देत हैं उठा ला। ये हमार वार्निंग है। गोली के कपड़ा ही तोहरा तन पर अच्छा लागत है, उहे पहले रखा। महंगा कपड़ा पहने के कोशिश जिन करा। बोल कैली बाबूजी, शंभू के जोन हम देली वो दया नहीं, प्यार हा। और हम शंभू के प्यार करेला। प्यार कर लू तू जाना तो तू का कहा था। प्यार कोनो खेल ना सीमा, एक मर्यादा है। अपन मान सम्मान सब एक कुली के हाथ में सौंप दे चाहता हूं, जो नौकरा के इन्हें उन्हें ढोत फिरे। एकर हमें गर्व है, हम एक ऐसा आदमी से प्यार करेला जो हम दूसरा की बोझा अपना सिर पर उठावे, लेकिन आपन बोझा केहू के उठावे ना दिला। तोहरा खातिर गर्व के बात हुई, लेकिन हमारा खातिर लज्जा। ए लज्जा के बचावे के खातिर आदमी के खर्चा करे के पड़ेला। हम भी कहली, हम भी 20,000 रुपया ओकरा मुंह पर मार के आई रही, ताकि वो तोहरा आस पास भी कब दिखाई ना दे सके। रास्ता में तो बहुत कुछ दिखाई देला, वो में से कुछ चीज अच्छा भी लागेला। एक मतलब ये तो ना भल के ओकरा उठा के सीना से लगा लहल जाए। तुम्हारे बचपना देख के इससे पहले के क्यों हमारा ऊपर उंगली उठावे, तू आपने भूल के सुधार ला। उसे पहले आप अपन भूल सुधार लें से। तू यहां गोली नंबर 440 वोल्ट, आपका बेटी जोन कुछ हमको दे वो दया नहीं सम्मान है, और आप जोन कुछ दे लिए घोर अपमान। हम आपका अपमान का जवाब अपने छोट का घर में दे सकत रही, लेकिन आपका ये बड़का सा घर आपका वो अपमान का आवाज नहीं सुन पावा। दादा, लेकिन आप जैसे अमीर लोग एक अलाव कुछ दे ना सकेले। दादा निकल जा हमारा घर से। आपके घर में दावत खाए नहीं आए रही, रुपया लौटावे आए रही, वरना थूके भी ना होती यहां। ये आपके रुपया गिनने वाला नरम हाथ नहीं है, मजदूरी करे वाला का मजबूत हाथ है। दिन रात मेहनत करके इस्पात हो गई बा, एक झटका देते ही तुम्हारी हाथ टूट जाएगी। याद रखिए 440 हाई वोल्टेज। मछली न रहुआ कि बोल के कर हा हमार या आपके। एक छोटा न भूल कर गई हम, लेकिन जल्दी सुधार ले वो के एक तोरा जीवन से ए इलाका से हमेशा हमेशा करते निकाल के फेंक दे, और जब तक हम ये काम ना कर ले तुम्हारी घर से निकलना बंद। बाबूजी शंभू
आप यहाँ? आप नहीं, तू। हम घर छोड़ के आ गए ले शंभू, तोरे प्यार में। भूल कर था बड़ घर का मांगा प्यार, छोड़ घर में शोभा ना दिला, ऐसे प्यार का अपमान हुई। और प्यार के लौटा दिहल ओके तड़पावल, अपमानित कैले से कहीं ज्यादा बड़ा पाप है। तुम्हें कहले रहला ना कि प्यार कोनो सामान नहीं है, कि प्लेटफॉर्म से उठा के टैक्सी स्टैंड पर लाके उतार दिहल जाए। प्यार चाहे कितना भी भारी काहे ना हो, उठा ले ली तो चले के चाहिए आखिरी दम तक। फिर तू काहे लौटा रहल हवा, हम सबके छोड़ के तोरा पास आ गए हैं शंभू। तू जहाँ पर खड़ी हो ओकरे चारों तरफ देखा ध्यान से, यहाँ चारों ओर खड़ा है दरिद्रता अभाव, हमें एक से भी तोहर परिचय नहीं, मर जाएगी तू। तो से भी तो हमार परिचय ना रहल, हमार प्यार ही परिचय करावलस तो से, तोहार पत्नी बन के दरिद्रता और अभाव से भी परिचय कर ले हम। सीमा, और अगर मर गयी तो इतना संतोष तो रही ना कि हम अपने प्यार के साथ ही मोली, प्यार के बिना तो न मरली। दोस्ती शुरू होता है एक हाथ से और पूरी होता है दूसर हाथ से, यही संपूर्णता से जन्म लेते हैं प्यार। मधुर मिलन
सिग्नल मोहे मिल गई आई गई ऐसे हम तोहरी पिछू ग्रीन सिग्नल मोहे मिल गई आई गई यही से हम तोहरे पिछू चलो ना छोड़ तो है तोरा के हम आज नाचता ग्रीन सिग्नल 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 शंभू हमारे को बात मनबू हम जानत हैं तो का कहबा खैर मानब तुहार बात बोला हमसे का बात है हमनी के कोनो संतान ना हुई सी का सुहाग रात में पति से प्यार के उपहार के आशा रहेला तू हम के ओ प्यार के उपहार से वंचित रखल चाहत हवा सीमा देवेंद्र हमार भाई नहीं हमरे बेटा जैसे है ओकरे लिए हमार कुछ सपना है माई के हम वचन देले रही क्योंकि बहुत बड़ा आदमी बनाई बे जब तोरे संतान के देवे खातिर हमरे पास कुछ ना रही तब फिर ओकेला के काहे कष्ट दे बोला देवेंद्र से तोहरे बेटा नहीं आज से हमार भी हवे उनके हम दोनों जने मिलके बड़ा आदमी बनावल जाए ओ सीमा प्रकाश बाबू भेजवाई नहीं है देखला बाबूजी कभी भी हमरे ऊपर ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकेला समझला देखा ना कितना अच्छा उपहार भेज ले हवे सिर्फ हमें ही तो आगे कोनो उपहार ना दे पाऊंगी नीला ये तुहार उपहार काम हो जाएगा चाहिए अरे क्या बात है इंस्पेक्टर अरे अब इस तरह से घर में का खोजे थे बतावा अरे लोगा इस तरह से घर में का खोजे थे का भाई कुछ बताए भी हमारे पास पक्की खबर है कि सब वो अफीम के कारोबार कर रहा था घर में ढेरों रुपया है और ड्रग छिपा के रखा छिपावे के लिए कुछ नहीं दरोगा बापू जो कुछ आपके सामने है ये घर में अगर कोनो महंगी चीज है तो वो हमारी पत्नी का प्यार हमारे लिए सब कुछ एक अलावा ड्रग का होला हमके ना मालूम है इंस्पेक्टर आपसे कोनो भूल हो गई है हमार शंभू ऐसा कर ही ना सकेले सर ये पैकेट मिलेगा लाखों के माल है ये इंस्पेक्टर ये पैकेट तो हमार बाबूजी हमरे के उपहार भेज ले हवे इनके कुछ ना मालूम जहाँ तक हमके मालूम है एक कुली से शादी कर ले पर तोहरे बाबूजी से तोहार कोनो संबंध नहीं है वो तोहे उपहार भेजिए संबंध नहीं है लिया सिर्फ बात नहीं भेज ले पैकेट भर के अभिशाप भेज ले हमरे खातिर ए, ले चला इनका नहीं आप हमरे शंभू के कहीं ना ले जा सकत है ये निर्दोष हवे यह बात अपने बाबूजी के थाने में आके बोले के कहा ले चला चला ये
करा ले तू जरूर आई बू। हम आपके थाना में जाके कहे आयल है। थाना में जाके बोली कि वो पैकेट रहुआ भेज ले रहली। इमे शम्मू के कोनो दोष नहीं के। बोला अब। लेकिन तोहके भी काम करे कोई हमरा खातिर। शम्मू के बचावे के खातिर रहुआ जो कुछ भी कहब वो सब हम करब बाबूजी। बोली का करे के होई? माथा से सेनूर पोछ डारे के होई। चुप काय हो गए लोग? मांग में लागल इस सिंदूर लड़की खातिर माथा पर सिर्फ रंग ना हो, ये एक चुटकी रंग जीवन के बहुत बड़ा सम्मान है। आपने मान इस स्वाभिमान एक हम अब वो पोछे ना दे बाबूजी। सिंदूर के सम्मान, सिंदूर के अहंकार, यूं लोगन के शोभा देते जे लोग, जे लोग दरिद्रता से नीचे होते हैं। बिलो तो परवटी लाइन बड़ लोगन के सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अहंकार होते हैं ओकर पति के हैसियत, ओकर पैसा। और तोहरे मांग के सिंदूर के पास दुन में से एक भी निखे। सारा जीवन आंसू बहाव के पड़े बुझलू। ई आंसू आपके घर के चौखट पार करके ना आई। शंभू के रहुआ ई जगह से तो हटा देली, लेकिन हमरा जीवन से कबो ना निकाल पाए। शंभू हवे हमरे कंगन में, हमरे सिंदूर में, हमरे प्यार के साथ। सीमा कुछ भी न कर पाएली हम, तोहरा जीवन में आके आनंद देवे के बजाय सारा सुख छीन ले ली हम। चिंता करना, सिर्फ 2 साल का तो बात है, कट जाए देखत देखत ले। इंसान के हाथ बहुत छोट होते शंभू, इतना कठिन दिन कैसे गिन पाए बिन हाथन से। हमरे सपना के साथी देविंदर के तोरे हाथे सौंप रहे सीमा। ये 2 साल में देविंदर के कब हमार कमी महसूस न हो दिया। टाइम हो गया चला। वचन दे थे कि देविंदर के कभी कोनो चीज के कमी महसूस होके ना दे, सब तकलीफ हम अपना पर उठा ले। इतना ऊंचाई पे दफ्तर काहे बनौले ही जाना था वह? यहां से पूरा शहर एकदम छोट लागेला और हम कतना बड़, ऐसन लागेला जैसे आसमान के नजदीक हैं। आज से कुर्सी पे बैठ बस सिर्फ तू। हम? हाँ, चौधरी मोटर्स के नया मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन उकरा से पहले तोरा ई पेपर पे दस्तखत करे के होई। एमे लिखल बा कि तू अपन पिछला जिंदगी भुला के नया सिरे से अपन जिंदगी के शुरुआत करबा। ई जीवन में सिर्फ ये हम, हमार पत्नी, हमार बेटी नीतू, जैसे तू बहुत प्यार करेला। और हमार भैया? तोहार भैया भी जेल में। का 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 बोलिए आप? ई खबर आज हम पेपर में पढ़ ली। बीरपुर स्टेशन के कूली के अफीम रखे के जुर्म में 2 साल के जेल हो गई बा। रुका, दफ्तर छोड़ के जाए से पहले अपन फैसला तो सुना के जा। चौधरी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बन के आसमान के नजदीक रहबा या फिर जेल में सड़ रहे कूली के भाई बन के जमीन पे लौटबा? सोचे के तोरा बा। शुभकामना है, अपन कुर्सी संभाल। अब
भाई, हम देवेंद्र राय से मिले आयल हैं, उनके हॉस्टल कहाँ पर बा बता सका था? ओ देवेंद्र राय, वो तो हॉस्टल में अब ना रहे ले, वो तो अब चौधरी साहब के साथ रहे ले। उनका पता देवा भाई? हाँ, ए उनका पता कहाँ बताओ तो? AL 87 सागर पार्क, हाँ इली। थैंक यू, मेंशन नॉट। नमस्ते। नमस्ते, हमरुवा के पहचान नहीं ना? हम देवेंद्र की भौजी हैं। यहाँ कहाँ आयल हो? देवेंद्र से मिले खातिर आयल हैं। ये संभव नहीं है, देवेंद्र के पिछला जीवन हम मिटा चुकल हैं। अब उकरा जीवन में कौनो भैया कौनो भौजी के लिए जगह नहीं है। अभी वो नया भविष्य की ओर बढ़ रहा बा, और उकरा में बानी सिर्फ हम, हमार बीबी और हमार बेटी मीतू। ये सब सपना है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप हमारे सपना के नष्ट कर सकी। देवेंद्र के बुलाई हम उनके ले जाए आयल है। लौटावे खातिर हम ओकरा के सड़क से ना उठावले हैं। एक जेल गेल कुली और ओकर बीबी के सपना चौधरी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए बुरा सपना है, और ये बुरा सपना हम देवेंद्र के जीवन में ना रह दे। अब भविष्य में कभी भी देवेंद्र से मिले के कोशिश मत करी। हाँ रुपया लौट फौरन यहाँ से चल जा। गरीब घर के माए बाप दो चीज ना ही बेचे ले, संतान और सम्मान। देवेंद्र के बुला दी। देवेंद्र को जेल गल कैदी की बीबी से ना मिली हन। ये सब हम उनके मुंह से सुनल चाहते हैं, उनके बुला दी। दरबान जी साहब, छोटे साहब से क्यों मिले आवे तो सबसे पहले हमरा खबर करिया, और बाहर कर दे इनका। आई चली चली। अरे आवा आवा देखा देखा। अरे चला मजेदार बात किया। चला इसको रोवत भी दिया। चला चला गुरु एक राशि बहुत दिया जाए कह रानी। चला आज कराई बा। चला चला अरे इतना रात के यहाँ क्या करत रही? थक गई रही, इसलिए थोड़ी देर बहक गई ली, माथा घूमत रहे। ए शहर में सोए के नहीं, हर वक्त जागे के रहे के चाहिए, नहीं तो इस तरह के भेड़िया लोग तोरा के फाड़ खाई है। यहाँ केकरे पास आए रहलू? केहू के खोजे खातिर। वो मिलल नहीं। आप भी हमरे तरह हैं, फूटल भाग्य। चला सामने हमार गड्ढा बा। गड्ढा? हाँ उहे घर जैसे समझ ले, हम कई लोग मिलके रहे ली, आपके भी जगह मिल जाए। चली का सोच रहे? रामायण में जहाँ रावण रहे वहीं एक लक्ष्मण भी रहे। चली कोनो चिंता मत करी, आई आई उठ।
राजा भैया रानी रानी उठ रानी पता नहीं सुतल भैया कि मर गल भैया अभी देखा था साला रात के 2 बजे आके लात मार खावे एक दिन तोहर पॉकेट काट के चुप कर पहले बोल हमके लात काहे मार ले तोहरे बाप की जगह ही की फोन के बंद कर लगाम दे एक घर में लोग आई बा असल में जब ये जन्मल रहे ना तब कौनो रोक टोक ना रहे यही खातिर जब बोले के शुरू कर ले तो रुके ले नहीं रोके के पड़ेला गुरु इनकरा कहां से ले ला ये हमार दीदी है ए हलवा तू का बाप के पास से छिटक के आ गई और ये दीदी कहां से टपक गई हैं भगवान दे ले हा हमारा अपन तो केहू भी नहीं खे ऐसे भगवान भेज दे ले हमरी दीदी के लेकिन गुरु हमने के 2 जन के खाना नहीं खे मिलत ऊपर से एक और वो भी औरत ठीक है लेकिन का सुबह यहां से विदा कर दिया ना आज से दीदी यहीं रही है शायद हमार यहां रहल ठीक ना हुई ना दीदी तू ऐसा मत बोला तू चल जाइबो तो हमके बहुत दुख होई आज से तू एजे रहबो एक घर में हम सबके दीदी बनके हमनी सबके दीदी बन भाई और कितना दिन यहां रह के हुई हां ठीक कहत है लेकिन करी का हमरा भेजा में आईडिया बा बोला पीछे का रास्ता में जाके हुई समझ लो भाई चलो ना पीछे के रास्ते से भाग चले जाए कोनो झमेला तो ना बा अरे कोनो झमेला नहीं के ए काम करा काम ना तो कोनो गप होता ज्यादा बात कर मत मार मार के चमड़ी निकाल दे समझ ला काम करा रास्ता साफ नहीं है एक छोटा काटा अटकल है भगले से पहले छोटका काटा के यहां से उखाड़ के फेंके के होगी शंभू हमें दूर रुक पे और इतनी हिम्मत हो गई अच्छा शंभू तोरे वजह से पकड़ ली हां लेकिन देख ले सारा के छोड़ ना सब समझ गई नहीं तोहार कहानी सचमुच बड़ा दुख भरल बा एक सपना बुनत बुनत लोहा के सलाखन के पीछे चल गई और दूसर वो सपना के बेच के सोना के पिंजरे में कैद हो गई तो चिंता मत करा दीदी जौन घर से तोह के धक्का मार के निकाल दिहल गईल हा ओही घर के अंदर से उस सपना के हम खींच के बाहर ले आई राजा हां दीदी यशवंत के पहुंच डारा ये आंसू दुख के सिवा कुछ ना दे सकेला आज से तोरा ही भाई तोरा साथी बा
हाँ दीदी, हम भी तुम्हारे साथ हैं। राजा की दीदी मतलब हमारी भी दीदी भाई। ए रानी, चल हमारे साथ। चलो। हेलो, हम राजा। हम रानी। लेकिन हम तू लोग के पहचानत ना। अरे हम तो हर मामा। हाँ। और हम तो हर मामी। सॉरी, मतलब होखे वाली। का चाहता हुआ? कुछ भी नहीं। बस तोरा के धरे आई लही। ई का मजाक है? आई से गेट आउट। अंग्रेजी बोला मत, अंग्रेजी बोला मत। बिना कोनो बात कहले चुपचाप हमरे साथ चला। चला के देखो ले पर ही चाकू गला और पाकी दोनों के काट फेंकी। कोनो बात ना, चला चल। शुभ का भाई? आप तू के हवा? हम इनके ना पहचाना थे, जबरदस्ती खींच के ले जाता है। कहाँ ले जाता हुआ हमरा बेटा के? इनके अपना सही जगह था। ये हमारा लड़का हवे, ये है एकर जगह है। ये आपके लड़का ना है, ये गरीब भैया के भाई है। एक एक भौजी के पास ले जाते हैं। झूठ कहता हुए, हमारे कोनो भाई या कोनो भौजी नहीं। एक का बोला था हमें, माँ समझ में नहीं क्या आवा। अरे एक भी बात मत कर, चल हमारे साथ चल। नहीं, हमके मरने बगैर हमारे बेटा के ना ले जा सकत हुआ। बचपन के हिराइल हमार शुभ, हमार बेटा आज हमके मिलल है। और तू लोग, और तू लोग हमार शुभ के हमरा से छीन ले बा। का चाहिए बोला? रुपया हम देव, हम देव, जितना रुपया चाहिए हम देव, खाली हमार बेटा के छोड़ना ना तो हम मर जाए, मर जाए। आपके शुभ बहुत भाग्यवान है कि आपके जैसा माई मिला। वो माई के दुख के देख के ओकर बच्चा के छीन के ना ले जा सकत है। काहे के आपके दुख के हम समझ है। चल माई। मैंने खुद तुम्हारे बारे में रिपोर्ट भेजी थी जिससे तुम्हारी एक साल की सजा माफ हो गई। आज ही तुम्हें रिहा किया जा रहा है। ये लो, और इसमें सब तुम्हारे रुपए पैसे हैं। तू देवेंद्र के लेके ना आयला? हाँ। हम सारा दिन इंतजार करत रहली कि तू हमरे देवेंद्र के ले आई बा। तोहार सपना तोहार सपना ना रह गल दीदी, वो दो भाग में बट चुकल हा। एक भाग चल गईल हा भुलाइल संतान के माई के लगे। ओ माई जौन कई साल पहले अपने बेटा के खो चुकल बिया, तुहार देवेंद्र के अंदर वो अपन वही बुलाइल बेटा के खोज ले ले बिया। दीदी दीदी, हम अगर तुहार सपना के उठा ले आयल होती तो माई के हेराइल हंसी के उठा के ले आयल जैसन हो। दीदी देखला का कल्पना कर तनी, बचपन में माई के गोद से हेरा कैल रहनी ना, यही खातिर माई बेटा के दुख के अच्छी तरह से समझ सकत है हम। यही से कोनो माई के हिराइल बेटा मिले ना, बा कोनो बेटा के ओकर माई, तो हमके बहुत जलन होत है, लागत है कि हमके भी हमार हिराइल माई मिली कि नहीं। यही खातिर दीदी ना ले आईली, उनका सुख के छीन के ना ले आ सकली। एकरा खातिर जौन सजा देवे के होके दे दो। अगर तू केहू के रुलाइले होता तो तुहे सजा देती। तू तो एक के हंसी दूसरा में बिठा देला, तुहे सजा कैसे दे? हमारे एक ठो काम कर बा। बोली दीदी, हम एक बार जेल जाके उनसे मिलल चाहत है। उनसे कहब कि वो देवेंद्र के लेके चिंता मत करे, वो खूब मजे में हा। लेकिन जेल में ऐसे अचानक ना जा सकत जाला, बहुत पैसा खर्च करे के पड़ेला। हम तो उनकर स्त्री हैं, हमरा के भी ना मिले दी हैं लोग। ओ लोग खाती रिश्ता के कौन मोल नहीं खे, हम तीन चार बार जेल जा चुकल बानी, ऐसे जाना थे। जेल गए हो? जेल
ही काम से। असल में एकर नाना जी जेल में रसोइया हो गए, यही खातिर तीन बार जेल में जा चुकल भैया खाना खावे खातिर, बहुत अच्छा खाना बनावे ले। रानी जाता जेल में जाके भैया के खबर ले आवा। ओके बंदरिया कहीं के। हम सपना के हैं सुंदरी, हम सपना।
पर्स में तो दीदी के फोटो है, कहीं उनकर पति तो ना हुए। ए भाई, राहुल पर्स पाके से गिर गए रहे, का करे थे, एक चीज संभाल के ना रख सकीला। देख ली सब ठीक बा ना? ये फोटो के करा हमार पत्नी का। रानी ना लौटल अभी तक? ओकर कुछो चिंता मत करा तू, वो जब गैल बिया तो कुछ ना कुछ करके ही लौटी, खाली हाथ कबो ना लौटी। दीदी दीदी, रानी तू जेल गई रहू, का बोले तोरे नाना जी, कब ले जाइबू हम के वहाँ? अरे बाप रे, इतना सवाल। तो सुना, हमरा जेल जाए से पहले ही जेल हमरे पास आ गई, जब हम जेब कट ली तो ओसे पता मिल गई, फिर देर कौनो बात के रहे, ले आई ली हम उनके। हमार देविंदर बहुत अच्छा। अच्छा तो रहबा करी, भाऊजी जो मिल गए लोग। चलो खाना खाए, चला भूख लगल है, मतलब चूहा कूद रहल बा। हम जेल में रहली, ये देविंदर के तो ना बतौलो? नहीं। बहुत अच्छा खेलो भैया, जेल गेले सुन के ओके बहुत दुख हो, वो सब कुछ छोड़ के चले आवत और हमार सपना अधूरा रह जात। तोहार सपना तो पूरा हो गए, बहुत बड़ा हो गए तोहार भाई। अरे होए के रहल ना, भाई के कर है, और का भेल? सब उनके सलाम करे ले। सलाम करे ले? हाँ, बड़ लोगन के बहुत सारे अदब कायदे हो था ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है। फिर का भेल, का बोले सू? हाँ तो के हम के अपना पास बिठा के बोलस, भौजी तू बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो। मिठाई खियोलस की ना? खियोले ना? पूरा मिठाई के दुकान उठा के ले आई ले, ना खाने चले ना ही, चले नहीं। ये ना हमार भाई, ना बोलस ना चली। ये उतो के प्रणाम कहलस की ना? प्रणाम? हाँ वो भूल गए ले। भूला गए ले? भाई साहब प्रणाम कहले से भुला गए। अरे एक थप्पड़ मार के मुंह घुमा दे बे। अरे भौजी होली माई के समान प्रणाम करे के चाहिए। कहाँ बा, कहाँ बाबू? ए देविंदर, देविंदर, देविंदर यहाँ ना रहले। का कालू? चौधरी मोटर्स अपना मैनेजिंग डायरेक्टर के घर देहले बा, गाड़ी देहले बा, तो देविंदर यहाँ कैसे रह सकेला? रहिए कैसे, अरे रहे के पड़ी। अरे कितना भी बड़ा साहब हो जाओगे, हमें साथ रहे के पड़ी, वरना हम लोगन के बताई कैसे कि पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसका जड़ जमीन पर होला। अब्बा उसका कान पकड़ के घसीट के ले आए भी। हाँ साहब गिरी दिखाओ थे योगी। सुनी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के एजीएम चौधरी मोटर्स के लिए रिमार्केबल है। हमने सब सच में आसमान के छू ले ली, हमने के कौनो प्रतिद्वंदी नहीं थे मार्केट में, और एक सारा श्रेय जा रहल बा देवेंद्र राय के। ए किने जा तोरा? हमार भाई भाई यहाँ। अरे ये कोई भाई भाई नहीं के, ये खाली बड़ा साहब छोटा साहब बने, तोहार कोई भाई भाई नहीं के। चल यहाँ से। हमार भाई भाई यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। दिब्बू दिब्बो, आप के हैं? हम चिन्हत नहीं की। मजाक करा था वह, बहुत दिन के बाद भाई से मिले ना, ऐसे मजाक करा था वह।
अरे इतना बड़ा हो गया कि भाई से मजाक करने लगला है। एक दे बना। अरे बाप रे, का लगा था बात तू पक्का साहब बन गए रे। रुका रुका तो के आराम से देख लेगी, आराम से देख लेगी। हाँ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे शायद कोई भूल भैला, हमार कोनो भाई भी ए दुनिया में बाड़न, हम नहीं के जाना। प्लीज आप जाइए यहां से। तू हमके यहां से जाएगे कतवा दिब्बो? हाँ ना ही जाए पर दरबान के बुला के बाहर फेंकवावे के पड़े। नहीं रे तू और कष्ट मत करा, हम चल जाते। आदमी का चेहरा जानन पहचानन लगत। हाँ वीरपुर स्टेशन का कुलिया, अभी हाल ही में 2 साल जेल में रह के आईला। अखबार में फोटो छपल रहे ना, यही से चेहरा जानल पहचानल लागल। एक तो कुली दूसरा कैदी के लेवल लागल है। ओकर भाई चौधरी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसन सर आज तक अब भाई बका कुए को कहावत है ना पगला कुछ बोले बोझा डुबत डुबत एकदम में पगला गिरता। आप ठीक कहते हैं सर, हमारे से वाकई बहुत खराब हो गई बा, मैं तो आप जिसन साहब के सामने गरीब का सपना ढूंढे ना आवत। माफ करिए साहब, आप बिल्कुल हमारे भाई जैसे दिखा थे, बाहर से देखने पर समझ में ना आए, भीतर से जब देख ली तो बहुत अलग है। हमारे भाई हो कहां तक हमारे सीना से लग जा। बोलत भैया तू कहां हुआ, तू जाने लेना बहुत दिन से तो के ना देखे तो बहुत कष्ट होला। तू कुछ खरीदा भैया? आप हमारे भाई नहीं, सिर खराब है ना, हमारे सिर खराब है ना। भाई हमार हमार स्नेह मई छाया दिल में राखब हो तो हगे सारा ई जीवन के दे हब हम कबो नहीं दूर करे वो के हो जाने ना, हाँ के हो जाने ना। सुनी रवा डिब्बू के भाई है ना, के बारे में बहुत बात सुन ली है, अगर रउवा इतना कष्ट उठा के डिब्बू के इंसान ना बनावले होती तो हम जेकरा के प्यार करत हैं वो मिली थी। रउवा अपने भाई खातिर बहुत खर्चा कैली है, सब हिसाब ले लेनी हम डिब्बू से, और डिब्बू के हॉस्टल के खर्च और कॉलेज की फीस किताब कॉपी सब मिला के 25,800 रुपया भाई, ब्याज भी बना था। हम 10% लगा देते हैं, 28,310 रुपया भी हम तुमके एकर दुना देते हैं। इला दवा पास अब डिब्बो के कोनो भी कर्जा बाकी ना बचे, आज के बाद डिब्बू के नाम के साथ में आपन नाम कब्बो मत जोड़ी है, ठीक बा? छोटे छोटे कितना बात याद बा आज भी हो, हाथ धरी तो होके चलौली धीरे धीरे
से प्यार भाई हमार स्नेह मई छाया दिल में राखब हो तो हके। तू ठीक कहत रहलू सीमा, तुम्हार दिब्बो बहुत बदल गई, बहुत ऊपर पहुंच गए, अब नाबालिग ना बा। हम हिम्मत करके भी तो है ये सब बात बता ना पहले। थोड़ा हिम्मत करके बता देले हो तू सीमा, कपीरपुर का कुली का सपना तो रही जात, अब हर सपना बिक गए सीमा। ये देखा हमरे हमरे सपना के दाम 56,620 रुपया, हमार दिब्बो हमके सब कुछ वापस कर देलस, सूद समेत। दिब्बो के ऊपर हमारा और कौनो कर्ज ना रह गए, हम नहीं जानत रहे सीमा कि हमार हर दिन के प्यार मोहब्बत के इतना कीमत दे दिब्बो 56,620 रुपया। देखो एक ही संभाल के रखिए सुमन, हमारे सपने की खरीदल पैसा लेके अपने अचरा में छिपा लेके अपने अचरा में छिपा लेके अपने अचरा में छिपा चल जाए। ना यहाँ केकरा लिए पड़ल रहे, यहाँ का है हमने के 56,620 रुपया। ये रुपया हमके अच्छी तरह से समझा दिलस की एक बाजार है, यहां से खरीदल और बेचल जाना, सपना बेच के पैसा मिलल और यह पैसा से मुनकर सब सपना चूर चूर कर दे। भैया तू सिर्फ एक बार बोला वो शशांक चौधरी के गला की नली के काट के सड़क पर फेंक दे भाव। शशांक के मार के हम अपने मंजिल पर ना पहुंच पाए, हमके एक तीर से दू निशाना लगावे के है। कैसे लगेबा तू, सात जन्म लग जाए तोरा चनक पड़ा, ओकरा पास कितना माल बा, मोटर पार्ट्स के एक छत्र राज बा ओकरे, ओकर केहू प्रतिद्वंदी ना ही। हम बनब ओकर प्रतिद्वंदी, का फायदा है सब करके उनका सामना ना ही कर पाएगा। करे के पड़ी सीमा, नहीं तो आज से कोनो गरीब भाई छोट भाई के बड़ा आदमी बनाओ सपना ना देखी। राजा बोला, चौधरी मोटर्स के सबसे बड़ी ताकत के है मिस्टर चौहान, चौहान डिस्ट्रीब्यूटर्स के एकमात्र मालिक। चौहान डिस्ट्रीब्यूटर्स के मालिक के फोन आयल रहे, जौन गाड़ियन के डिलीवरी दिहल गई रहे उनमें से कुछ में टेक्निकल खराबी पाई गई बा। लेकिन ये कैसे हो सकेला, बिजनेस में कैसे हो सकता, नहीं के हो सकत, ये सब कहल गलत है। आज जो नहीं के हो सकत कालू हो भी सकेला, सो टेक केयर। चौहान डिस्ट्रीब्यूटर्स ए समय में अपन सबसे बड़ खरीदार है, हम अबे उनके घर जा रहे हैं। कहीं ना जाई बा तू। अरे ममता तू यहाँ का करता रू, जरूरत जैसन है एकरो ऐसा ने बना दे ले है। ऑफिस में बैठा के बिना खेवले मार दे। अरे गर्दन पे एक को सर बाना का करी, बोला खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ये तू ठीक ना कही लूमा, बाबूजी का सोचा तो ये बोला, वो आदमी के एक भी बात मत करिए और सुनिए भी ना। मैनेजिंग डायरेक्टर मालिक की एक बात ना सुनी? सुनी हाँ एक दो बार, बाकी माई की सुनिए। अच्छा मुंह खुला तो बेटा। मिस्टर चौधरी आपके वजह से हमारा नाम खराब हो रहा बा, आपके कंपनी से तैयार कल पुर्जा में एक के बाद एक खराबी आ रहा बा। आई नो मिस्टर चौहान, असल में हमारे स्पेयर पार्ट्स डिवीजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, यही खातिर। दैट्स योर प्रॉब्लम, एमे हमारा कोनो लाभ नहीं है, हम सिर्फ ई देखल चाहते हैं कि आप कितना जल्दी अपन भूल सुधार लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपन काम जल्दी से कर ले। अब आगे शिकायत के रुआ एक को मौका ना दे, सच कहते हैं। ओके सोचा था कब तक सेकंड क्वालिटी पर फर्स्ट क्वालिटी के लेबल लगा के चलाई,
बाबूजी सब जाना था वे? उनके ही देखरेख में तो सब हो रहा है। समझ रख रहा हो धोनी की वजह से साला हमने का धंधा चौपट हो गया। जवान सवार के बात करो, तू अपन मूल सवार के बात करो। गलती कैली हो तो चुप करके रहा, नहीं तो
ना होते का करबू तू का करबू तू चाकू से गला पॉकेट दोनों काट दे ए चाकू निकाल रे देखा नहीं भाई देखी ना अपना ठेला से हमारा गाड़ी के धक्का मार ले और हमरे के उल्टा पुल्टा बोल रहा बाड़े एकदम से झूठ मत बोला हमार ठेला के तोहार गाड़ी धक्का मार ले बा ठेला के कोनो इज्जत ना होला का अच्छा अच्छा भाई भूल हो गई अब तो जालो गए भाई साहब के जबान रख लेते हैं वरना उठाई के ले जाती चला 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 अरे भाई हम छोड़ दे एकरा के भैया ना आइल होते देकर मुंह तोड़ देती हम बड़ा आइल है गाड़ी वाला चला हिम्मत तो देखे भाई साहब कहा था कि उठा के ले जाए भाग सर वो आ गई भाई साहब थैंक यू वेरी मच सर गाड़ी खराब हो गई बा गैनी काम से अर्जेंट मीटिंग है अब यहाँ पे टैक्सी भी मिलेगी ना भगवान ही जाने सुनी भाई यहाँ कोनो मैकेनिक वगैरह की मिली का हम देखे कहीं बोनेट खोला सुधाकर हमके लगा था कि हम ठीक टाइम पे पहुंच ना पाए अरे ना ना ये छटकन के वजह से हाँ 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 ठीक बा हम पहुंच जाए अरे रोवा तो बड़ा जीनियस है गाड़ी का डॉक्टर है का रोग के पहचान भी कोनो भी दिन जरूरत महसूस होके तो आ जाए संकोच मत करब काम हो गए पासपोर्ट तो मिल गई अब अंदर जाए कि बाहर ली मिठाई खाई आज नहीं सीमा मिठाई वो दिन खाई बे ये दिन हमारा काम पूरा हो जाए ओह एक जरा सा माल खातिर कितना कंप्लेन सुनने के होई ना ना वो लड़का से बात करने के कोनो जरूरत नहीं है तू सीधा डायरेक्ट मिस्टर चौधरी से बात करा हाँ हो प्लीज अंदर आ सकते नहीं साहब अरे हाई हाई मिस्टर जीनियस हाई हमके पहचान गली का भूल जाए ये कैसे सोचला अरे वो दिन सिर्फ तोहरे वजह से एक जरूरी मीटिंग में पहुंच पैली हम ना ता 1 करोड़ रुपया के नुकसान हो गए रहे का देखा था देखा था एक आदमी असत के राह पे चल के आसमान के छुआता और दूसरा आदमी सत के राह पे चल के मुंह के बल गिरता बिल्कुल सही कहा था चौधरी मोटर सिर्फ यह काम कर रहा था सैंपल भेजा था कुछ और डिलीवरी भेजा थी कुछ और अब यह देखिए ना ये चौधरी मोटर्स के मॉडल है पूरा का पूरा सेकंड क्वालिटी का माल गाड़ी में लगाते ही गाड़ी बीच सड़क पे खड़ा मिली आपके लेकिन इतना दिन के बिजनेस रिलेशन है छोड़ भी नहीं कर सका किनारा तो कर सकते नहीं कोनो भी छोट मोट कंपनी के एक मौका तो देके देखी के दे बोली तो सब शशांक चौधरी मोटर्स के जैसन कार्बन कॉपी हमके देव का कर दो लिए तो आपके पास आई नहीं सर इतना कह सकेली कि हमरे माल में कोनो मिलावट ना होई सिर्फ रईस ने ममता और प्यार यह तो हमें चाहिए अभी फिलहाल हम तोहके 1 लाख रुपया का ऑर्डर देके देखब नहीं सर हमके ऐसे कम का ऑर्डर देवे तब भी चली 56,620 रुपया का कमाल बा हम तोहके 1 लाख का ऑर्डर देहल चाहत हैं और तू 56,620 रुपया का ऑर्डर चाहत हवा ए तरह के अद्भुत आर्डर लेवे के कारण का बा भाई ये रुपया हमारे लिए बहुत कीमती है साहब एक देश कीमती चीज के बेच के रुपया मिले है हम ये रुपया से काम शुरू कर चाहते हैं ठीक है सुधाकर चौधरी मोटर से 56,620 रुपया का ऑर्डर कम करके दूसरा कंपनी के दे दो तुम्हार कंपनी का नाम क्या हो सपना मोटर्स और ये नाम से एक एडवांस चेक भी बना दा ठीक है तो क्या हम लड़ाई के मैदान में उतार दे ली अब सपना के पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारा
धन्यवाद। ओके चौहान डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने के ऑर्डर कैंसिल कर दिला जाना भाई सर 56,620 रुपया के रकम चाहे जितना भी हो के इस चौधरी मोटर्स के लिए बड़ा अपमान के बात है। पहला बार ऑर्डर कैंसिल भेल बा ये हमरा खातिर बहुत बड़ा अपमान है सर। ई डिवीजन तो मिस्टर देवेंद्र देख रहा हूं मैं, आप यदि एक बार उनसे बात कर लेती तो। तू कंपनी के मैनेजर हवा, अपना दिन से तू कंपनी के साथ जुड़ल बड़ा, तू अपन फर्ज नहीं समझ सकत का? हाय पापा। कहीं जात पड़ो बेटी? हाँ, सिनेमा देखे। देवेंद्र चौहान डिस्ट्रीब्यूटर हमने के ऑर्डर कैंसिल कर दिले बा। एक छोटा सा ऑर्डर, मिस्टर चौहान कौन छोट मोट कंपनी थोड़ी होंगे, मिस्टर चौहान सिंपैथी दिखा दे ले। ये सिंपैथी तो हमने दिखावत है, छोट छोट कंपनी का ऑर्डर तो हमने देते हैं, चौहान डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट ऑर्डर कबो ना दिला। देवेंद्र बिजनेस से कबो अपना सहज भाव से ना लेवे के चाहिए, ये तू भूल करत पड़ा, ये तरह के भूल तोरा सारा जीवन भुगते के होई। पापा प्लीज टुडे इज संडे ना बिजनेस स्टॉप जाओ थे चलो। हम तो ओके आजमावे खातिर एकदम छोटा सा ऑर्डर दे ली, लेकिन आप जे बोले थे वो तो बड़ा अचरज के बात है। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ मरुआ के बाद में फोन कर रहे थे। हाँ बोला। देखी ए समय हमारा लिए एक मुश्त ऑर्डर दहल तो बिल्कुल संभव नहीं है, अनलेस आई टॉक टू मिस्टर शंभुनाथ राय।
ठीक बा। इतना दिन के बाद वाकई में चौधरी मोटर्स के वो सच्चा प्रतिद्वंदी मिला। कांग्रेचुलेशन मिस्टर रॉय, आपके द्वारा तैयार माल के बाजार में धूम मच गिल बा। सुबह से 100 पार्टी के फोन आ चुकल बा, सभी ऑर्डर दे रहा हूं मैं। क्या देखे थे साहब? देख रहा है ये हाथ में कितना प्यार स्नेह ममता भरल है, तभी तो सपना सचमुच पूरा हो जाता। सपना जोन रहल वो खो गए, अब जोन है वह लक्ष्य है। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे खाते सिर्फ 56,620 रुपया के ऑर्डर से काम ना चली, और बढ़ाना ऑर्डर लेवे के हुई। हम कॉन्ट्रैक्ट नया तैयार के लिए हैं 56,06,200 रुपया के, इली साइन करी। Excuse please, हम तोहरा पहले ही सचेत के लिए रही देवेंद्र, ये तो का कह लो 56,620 के पावर 56,06,200 रुपया हो गए। चौहान डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमदर्दी ना हा, चौधरी मोटर्स के रिजेक्ट कह ला। दत्ता जी साहब, दत्ता ऑर्डर केकरा मिलल बा? सपना मोटर्स के। सपना मोटर्स? सपना कबू नाम नहीं की सुन ले, मालिक के हा? कुली नंबर 440 शंभुनाथ राय, मिस्टर देवेंद्र राय के भाई। ओ, तो यही से तो चुपचाप पड़ा, भाई के प्रति मोह प्यार। बाबूजी चुप रहा, बोला मत कि तू का साइन करके एमडी के कुर्सी पर बैठल बाड़ा। तोरा जीवन में भाई भौजी की कोनो अहमियत नहीं खे, और अगर धोखा देवे की कोशिश कर हम तरह के ना छोड़ा। नमस्कार नमस्कार, बोला का भेजे के है? आपकी बार रुवाए को बड़का चीज भेजे के बाद। बोली बोली, इतना बड़ा चीज भेजा उतना हमारे लाभ हुई, मतलब रेलवे के बिल बनी। आपकी सेवा में सदा सर्वदा भारतीय रेल बाटे। यही भरोसे तो लेके आए ले, आज हमारे नाते के अन्नप्रसन्न है। लड़की के शादी से गोद भराई तक सारा दायित्व रेलवे संभाल ले दिया, ये दायित्व भी रेलवे के देते हैं। का भेजे के बाद देखावत है माई एम आई एने आवा। इनकरे भेजे के बा। हम खुदे पहुंचा देती, लेकिन मछली के काम मन हम छोड़ नहीं की सकत ना। लेकिन इनके का है मछली का है नहीं की भेजत? हमार लड़की के मछली ना चाही, ओकरा सिर्फ दादी मत चाही। मत भेजिया, कभी मत भेजिया। नई सरकार है, रेल मंत्रालय का लेके छीना झपटी चल रहा है, कभी एक हाथ कभी ओ के हाथ। तोरी माँ के हाथ लगी बोलना मुश्किल है। चला चुपचाप निकल जाए यहाँ से। यही से तो हम रिस्क ना लेनी, आपके हाथ में सौंप रहा है। माई ए माई, आज के बाद तुहार पूरा दायित्व रेलवे उठाई, अब हम चलो थी। र तोरा सपना मोटर्स के कोटेशन पता करे के ही हुई हमके। हाँ तू, इतना दिन तक हम अपन नुकसान सहन कही, लेकिन अब ना। याद रखिए, कार टेंडर भेजे के आखिरी दिन है। नमस्कार। नमस्कार, आप मिस्टर भोला हैं? हाँ बोली। सिंगापुर के टेंडर के कोटेशन चाहिए हमके। ये बिजनेस के प्राइवेसी है, रुआ के कैसे बताई? बोल बताई दे। अब बोला अब। हाँ 75 लाख 5,000 only. Thank you. हाँ।
थैंक यू एवरीबॉडी. नाउ आई एम कॉलिंग ऑफ द कोटेशंस ऑफ टेंडर. वेदांत 85 लाख, सुप्रीम मोटर्स 83 लाख, रेडियल 80 लाख, चौधरी मोटर्स 75 लाख, सपना मोटर्स 74 लाख 5000. Congratulations, Mr. Roy. Best of luck. Sasang Chaudhary. Kale rali na hum. कुली भैला पर भी नंबर थोड़ा अलग है. 440 हाई वोल्टेज, झटका देहले पर पटक देला. तू तो कहत रहला कि सपना मोटर्स 75,05,000 रुपया कोट कैले बा, फिर 74,05,000 रुपया कैसे हो गई? विश्वास करें, हम अपना आंख से देख ले रहे, पूरा 75,05,000 के कोटेशन है उनका. ऐसे तो हम 75 लाख कोट कैली. लागत है वो क्लर्क हमके धोखा देलस. नहीं, सपना मोटर्स तो के ना ठगला मिस्टर देवेंद्र राय, तू ठगला हो चौधरी मोटर्स के. तू बिना अनुमति के अंदर आ गई है, फिर भी आपके वफादार है. चौधरी साहब, कौआ के घोंसला में कोयल चाहे कितना ही अंडा दे दी, दुकाऊ कौआ हो जाए, कोयल ही होई, काऊ काऊ करे के बजाय वो कुहू कुहू ही करी. ओकरा खातिर आप चाहे कुछ भी कर ली, खोखला माल होए तो वो ढोल के तरह ही बाजी. का कहल चाह पड़ा तू? देवेंद्र राय खैले चौधरी मोटर्स के और गाना गईले सपना मोटर्स के, यही से आपके हाथ से एक के बाद एक सब कॉन्ट्रैक्ट निकल गए. अंग्रेजी गाली तो एक दो हमके भी आवत है, लेकिन देत नहीं, बहुत हल्का लागत है. वो कहे कि साला सुअर के बच्चा, ये गाली ठीक बा, एमे दम बा. चला भाई साहब. विश्वास करी, वो जोन कुछ भी बोला तो सब झूठ है. सपना मोटर्स के साथ हमारा कौनो संबंध नहीं है. शट अप. शुभ, तू आपके नाम से बुलावे थे, हमारे पैर अपने आप रुक जाते हैं. लागत है आप हमके बुलावले हैं. तोहरो नाम का शुभ है? बचपन में रहल, बचपन के साथ नाम भी खो गई. चलत है. आज सपना मोटर्स के लिए बड़े गर्व की बात है. सपना मोटर्स शेयर बाजार में उछाल मार रहल बा. एकर सारा श्रेय हमके नहीं, आप सब का है. भैया, आपसे शायद कोई भूल भइला, हमार कोनो भाई भी ए दुनिया में बाड़न, हम नहीं के जानन. तो हम पहचान ना पौली. हम दिब्बू तोहर छोट भाई, जेकरे खातिर तू ढेर सारा सपना सजा ले रहला, एक दिन हम बड़ा आदमी बनो. बड़ा तो हो गए नहीं भैया, फिर आजकल आप सबके बीच हमके नीचे का ही दिखावा चाहता हुआ. हमारे कोनो भाई वाई है हमके याद नहीं आवा, और हम तो है जानत भी ना है. हाँ, एक बार हम केहू के नीचे ना खींचत है, बल्कि खुद ऊपर जाए के कोशिश करते हैं. यह खेल में क्यों हारी क्यों जीती,
समझला? आप में से तो सुन ली सका हमार कोनो भाई भाई है, लेकिन इनका चेहरा कुछ जानल पहचानल लगता। अरे चिन्हई दे करी, ई हवे बाजार से खरीदल शशांक चौधरी का होए वाला दामाद। ओ इतना दिन तक बैठल रहे ना, एक खातिर जंग लग गई। अब आई थोड़ा पालिश वालिश करके सपना मोटर्स में आईले हा, खुद के व्यवस्थित कर। सपना मोटर्स खराब माल बेचत भी नहीं और खरीदत भी नहीं, अब तू जा सकेला, वरना दरबान के बुला के बाहर भेजे के मजबूर होवे के पड़े। भैया सपना मोटर्स कम रेट में माल बाजार में पटक देले बा, हमके लागत है कि हमें भी शेयर के रेट कम कर देवे के चाहिए, ना ही तो कंपटीशन में अपन कंपनी टिक ना सके। डोंट माइंड सर, हमके लागत है कि आपके सजेशन कंपनी के बचावे खातिर नहीं बल्कि कंपनी के डुबावे खातिर है। तो हार ई हिम्मत, सॉरी सर, इतना दिन से कंपनी के अच्छा बुरा दिन में कंपनी के साथ में हम जुड़ल रही हाँ, इसलिए कंपनी के नुकसान होके ई बात हम कबो भी ना होके देव। एक कुली के रेट कम कैला से हम भी कम करी, ये कंपनी के मर्यादा खातिर ठीक नहीं है। तो फिर तू क्या सलाह देत बाड़ा? सपना मोटर्स काल पब्लिक शेयर इशू कर रहा, अच्छा रिस्पॉन्स मिले, शेयर तो उठबे ना करे अगर आप चाहिए तो। कंपनी के नामो निशान ही ना रही तो शेयर मार्केट में उठी कैसे? सिर्फ जरूरत है एक माचिस के तिली के और आपके परमिशन की। कर ले बा। तिली तो हमारा जेब में ही बा सर, जरूरत पाते सिर्फ आपके परमिशन की। रात में एक आग के बोला सपना मोटर्स के सारा सपना जलाकर राख कर दी। Thank you.
का भोला हो गए? हाँ हाँ हो गए। चलो चलो चलो। एक ये भोला ये कैसे बंद हो गए? के बंद कर हमारा नहीं मालूम। चलो था चलो तो बंद हो दरवाजा बंद कर बंद कर लो ले सामने जो खड़ा हूँ सपना मोटर्स का मालिक है शंभुनाथ राय। हमारा सामने तो कुली रहला और कुली रहबा। पहले बोझा ढोवत रह सपना ढोवत पड़ा। एक ऑर्डर का तारा मिल गई तू तो सर पे चढ़ पड़ा। चल के राख हो जीबा। एक तो नहीं सब ऑर्डर हम ही लेबे। आपका कंपनी गाड़ी घर सब कुछ याद रखिए। आपका माचिस के तीली हमारे पास भी है। आपके चीता जलावे खातिर शंभू शंभुनाथ राय। आप कुली से व्यापारी है लेकिन नंबर अब भी हुआ है 440 हाई वोल्टेज। झटका देने पर पटका जाएगा। का फिक्स कर दा। ओके ओके गुड न्यूज सर गुड न्यूज। हम तो बुरा खबर के इंतजार करते हैं।
बताओ का खबर बा? शेयर बाजार से खबर आई है सर, अपन शेयर के भाव 120 रुपया हो गए। 12 रुपए के शेयर 120 रुपया में? हाँ सर, क्यों चौधरी मोटर्स के 20% शेयर यही भाव से खरीद लेना है। हाँ तो क्यों 20% शेयर खरीदना चाहता था, भाव बढ़ाता करता 220 रुपया। देवेंद्र अब तो आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं बाबूजी। हमरा समझ में नहीं खे आवा कि चौधरी मोटर्स के हालत अच्छा नहीं खे तब वो अपना शेयर खरीदत के बाद। जरूरत नहीं की, लेकिन वो दलाल के माध्यम से खरीदा था। वो दलाल से बोला कि उस सम्मानित व्यक्ति के खातिर हम एगो पार्टी कर जाए। ओके सर, थैंक्स टू यू देवेंद्र, तो बहुत अच्छा काम कैला, तोरे वजह से कंपनी के पुराना प्रतिष्ठा वापस लौट आए। हाँ मितू तोरा के ढूंढत रही, शायद कोनो काम होगी तू जा सकेला। थैंक यू दत्ता। यस सर, पार्टी एकदम एक ग्रैंड होके के चाहिए। ओके सर। मिताली वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, अचानक फोन कर लू? रुका पहले ठीक से देख तो ले। फोन कर के हमका खाली देखे खातिर बुलाऊ लू? खुशी मनावे खातिर। आज हमने टिब्बू की वजह से चौधरी मोटर्स के शेयर के भाव और ही बढ़ गए, खुशी मनावल जाए। बाबूजी पहले ही खुशी में पार्टी बुलाऊ लिया हमें। वहाँ तो बहुत लोग रहे हैं, हम भी सेलिब्रेशन पार्टी में के होना रही सिद्धू और हम।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के पार्टी उस सम्मानित व्यक्ति खातिर रहा जेकरा हम जानत नहीं की, पहचानत नहीं की और कबो देखले भी नहीं की, फिर भी वो हमार मित्र हवन। कहे कि वो चौधरी मोटर्स के 20% के शेयर खरीद ले बाड़न। हम सबसे पहले उस साहब से मिलल चाहते हैं। प्लीज कम टू मी माय फ्रेंड। आप यहाँ आपे के पास आवत रहे, एक आप अपनी कंपनी के माल के दाम 500 रुपए कम करके बेचे खातिर कहा था नहीं? हाँ, लागे तो कम में बेचा, लेकिन इससे तो बहुत नुकसान हुई। ज्यादा पावे खातिर कुछ तो खोवे के पड़ी ना। अब ही तो नुकसान हुई, लेकिन जीवन के बाजी हमें ही जीता। बहुत नुकसान तो कहला हमारा, हर नुकसान की भरपाई तोरा करे के हुई, वरना हम तोरा पुलिस के हवाले कर दे। आई दरोगा जी, आई ये हूँ ऑफिसर, ये हमरा संगे धोखा कहले बा, एक अरेस्ट करा। चला एक मिनट। हाँ मिस्टर चौधरी, हम धोखा कह ली, लेकिन हम आपके साथ नहीं, हम धोखा कह लिए वो आदमी के साथ है, जो आदमी खुद भूखा रह के हमके खियाले, खुद धूप में रह के हमके छाया देले, हमारे शरीर पर बारिश के एक बूंद भी न पड़े दिन में, हमके बुखार न हो, यही लिए खुद ठंड में टिटूर के हमके ढकले, और हम और जलन रोटी समान शरीर, बारिश के पिघल बदन और ठंड से सिकुड़ल शरीर के सारा सपना चला दिले। अफसर ले चला हमरा के। छोटा हमारे बेटा के, हमारे बेटा के कहाँ ले जाते? ममता, एकरा जाए दा, ये को ठग हा, चोर हा, ये हमने के लड़का ना हा। का बोले थाई, वो हमारे बेटा ना तो के हा? ये को ठग हा, ये हमरा ठगलास, तोहरा ठगलास, और मीतू के भी ठगलास, ये तो हार बेटा ना हा। ये को स्टेशन पे बोझा ढोए वाला के भाई हा, ये ठगी के मामला में जेल गए रहे। हम आपके लड़का ना है, हम आपके लड़का के नाटक करे वाला एक खुद का जलालची इंसान है। बहुत नुकसान कह ली हम तोरे पिता के, तोरे माँ के और सौहार, आज से सच्चाई के राह पर चलो। पापा, पुलिस डिब्बो के अरेस्ट करके ले जा रहा है बा, और आप चुपचाप यहाँ खड़े? हम ही ओकरा के गिरफ्तार करवैनी हा। डिब्बो का अपराध? वो एको ठग हा, वो हमरा संगे ठगी कैला, तोहर माई के संगे ठगी कैला और तोहरा संगे भी ठगी कैला। डिब्बो केहू के साथे ठगी ना कैली है पापा, वो रोवा के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनल ना चाहत रहले, जबकि गरीब भाई के पास से निकाल के रोवा उनका के मैनेजर के कुर्सी पर बिठा देली, वो दौलत के कुर्सी ना चाले, एक हेराइल बेटा के माँ के बचावे खातिर लड़का बन के रह ले हूँ।
हमसे प्यार ना करी चाहत रहे, लेकिन हम ही उनका के अपने प्यार में बांध के दिल में बसा ले। अब ओकरा के अपन दिल से निकाल दे तू। हम नहीं की चाहत के आगे अब ओकरा संगे तोर कोनो संबंध है। आपकी काम निकल गई तो उनका के छोड़ दे ले। मगर हम उनसे प्यार करे थे और प्यार करे वाला प्यार फेंकत नहीं है और के अपने दिल से लगा के रखे थे। रहुआ उनके पुलिस से गिरफ्तार करवाई ले, लेकिन हम उनके छुड़ा के लिए आई। रुका, अगर ये घर से तू एक बार निकल लो तो तारा हमेशा खाते जाए के हुई। हर लड़के के एक ना एक दिन बाप के घर से जाही के पड़े ला पापा। हम के शायद दूसरे तरीके से जाए के हुई। चल दीदी दीदी देखा के आई बा तू। दीपो कहाँ है? लॉकअप में। लॉकअप में? काहे? वो अपने मालिक के गद्दे संभाल ले भौजी और वही मालिक उनका के पुलिस के हवाले कर दे ले। तू भी तो वही मालिक की बेटी है। वो लड़की बाप के घर छोड़ के रहुआ पास आ गई ना भौजी। रहुआ से दीपो के भीख मांगे थे भौजी, दीपो के बच्चा ले। भीख? भीख काहे बोला था? बोला उपहार। तोहार उपहार हम तोहरा पास से लेके आए। आवा हमरे साथ है। आवा। हाँ 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 ठीक बा ठीक बा, जल्दी करी है। हाँ दीपो के पुलिस अरेस्ट करके ले गई। रहुआ अभी उनके जमानत की व्यवस्था करी ना। दीपू आपके भाई हा। दीपेंद्र राय ससांग चौधरी के हो वाला दामाद है। वो जमाई जे शादी का मिठाई भी ना खले से उल्टा जेल चल गए। ओकरे लिए हमरे दिल में कोनो हमदर्दी नहीं। भैया दीपू के क्षमा कह दी। क्षमा शब्द हम भूल गए ली। ठग बेईमानन के लिए हमारे पास कोनो क्षमा नहीं। ओकरे अपराध का सजा ओके मिली और मिले के चाहे। हम रहुआ से भीख मांगे थे भैया, दीपो के रहुआ छुड़ा ली भैया। कहे तू ही ना दीपेंद्र के हमारे पास से खरीद ले रहलू 56,620 रुपया में। फिर आज दीपेंद्र हमार भाई कैसे हो गए? तू ही भी ना कर ले रहलू कि हम ओकर नाम अपने नाम के साथ ना जोड़ी। सही कहते ना? भूल कैले रहली हम, तब हम समझ ना पैली कि सूरज के बादल से डकल ना जा सके। ठीक वैसे ही रुपया खून के रिश्ता ना खरीद सकेला। ऐसे आज हम अपने भूल के प्रायश्चित कई चाहत रहे। बहुत देर कर जाहू। वीरपुर का उकुली तो बहुत पहले ही मर चुकल बा। पत्थर के ऊपर आंख के पानी मत गिरावा, तोहरे आंख के पानी बेकार जाई। पत्थर गीला ना होई। और रउआ भी सुन ली, दीपो के कुछ भी नुकसान हम अपके ना करे देव। चला आवा। बोला। हाँ भैया। जितना भी पैसा लागे दीपो को छुड़ाव के व्यवस्था कर। ठीक बा भैया। ससांग चौधरी अब तुम्हारे साथ हमारा आखिरी दांव हुई। सर अग्रवाल, हम आपसे वादा कर रहे थे कि हम आपके सारा रुपया चुका दे। अरे इससे पहले भी हम आपसे रुपया ले ले रहनी और समय रहते दे भी दीनी। हाँ प्लीज हमके थोड़ा समय दी। ओके गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। अरे हमरा थोड़ा समय तो दी, थोड़ा हमरा खड़ा होए के समय तो दी। आपन जवान संभाला मिस्टर शर्मा, गज ले लें एक मतलब ही ना है कि बापे आपके बेचती ले। बोली मिस्टर राय, रुपया आपके मिल जाए, कुछ और
फेर का चौधरी मोटर्स के शेयर सुनने में आ गए तो का भइल? अरे अभी हम मरल नहीं कि जिंदा है, समझे की कोशिश करी। इतना रुपया भी हम इंतजाम नहीं की कर सकत, रघुआ सभी हमके थोड़ा समय तो दी, आपके और समय नहीं दे सकत। रघुआ पे विश्वास नहीं के, इतना रुपया हम लाइव कहाँ से? आप अपन घर भेज दी का? घर भेज दी? अरे तनी दया तो करी, हमार हालत तो जानते बानी। मिस्टर चौधरी हमनी के पैसा दे दी ना तो हमी के कोर्ट में जाके पड़ी। घर बेचना है बोले से घर तो ना बिक जाए ना, अभी के खरीदी हमार घर? हम तू नहीं आप, हम तो रहे अपन घर ना बेचब। काहे ना बेचबा? क्योंकि पैसा की जरूरत है और हमके ही घर का जरूरत है। आप अपन घर बेच के हमने के पैसा लौटा दी? बोला कितना रुपया चाहिए? 1 करोड़ रुपया दे सकेला? बस बहुत कम बोलला, हम तो ऐसे भी ज्यादा देवे के तैयार रहली। बोला हाँ रुपया दे दा। हाँ। रुका, रुपया लेवे से पहले ये पेपर पर साइन कर दे। क्या सोचा था वा? हम तो बहुत पैसा दे के तुम्हारी घर खरीद ली और तू तो बगैर रुपया देले हमार स्नेह प्यार और सपना सब कुछ छीन ले। साइन करा। तुम्हारे फर्नीचर का दाम का है? का वो खरीदवा? बिल्कुल, वो फर्नीचर पर बैठ कर देखब कि कितना आसानी से दूसरन का सपना आपन बना सकल। 15 लाख रुपया। बोला दे दा। मिस्टर चौधरी आपका ऑफिस बंद हो गई, आपका फैक्ट्री नीलाम हो गई, आपका घर अभी अभी हम घर बेच देंगे। ओ ओ ओ ओ, एकर मतलब तू भिखारी? कितने मजे की बात है ना, एक दिन तोरे पास पैसा रहल तो हमार सब कुछ छीन लेला, आज हमरे पास पैसा हम तोहार सब कुछ छीन ले ली। एकर मतलब तू कुछ नहीं और हम कुछ नहीं, अगर कुछ है तो रुपया, और यह रुपया जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाला, यही रुपया के गर्मी के कारण तू लोग इंसान के इंसान नहीं समझेला। कहे बोलो ना, गेट आउट। सुना, जितना दिन तू अपने पोजीशन में लौट के ना आई बा, तुम्हार पत्नी यथा सम्मान के साथ यहां रह सके। हालांकि तू सम्मान हमरे पत्नी के ना देला, दरबान के बोला के घर से बाहर निकाल देना। दरबान जी साहब, इनके गेट के बाहर निकाल दा। आपके लागल तो नहीं? नहीं तो ई हार के करो। ई हमार हार हा दी। ई हार तो के दिहलस? हमार माई, बचपन में हमार माई ई हार हमरा गले में डाल देले रही, फिर हम हेरा गए नहीं। जौन आदमी हमके बड़ा कैलस वो कहले रहे कि भगवान अगर सच्चा हो ये तो ये हार एक दिन हमार माई बाप से हमके मिला दी है। भगवान नहीं खन
यहीं से आज तक अपन माई बाप के खोज न सकनी। भगवान हमें शुभ, यहीं से आज तू अपने माई के पा गई। हम ही तो हर माई है, 5 साल के उम्र में ये हार हम तोरे गले में डल ले रही। माई, तू हमार माई, माई कितना साल से तोके ढूंढ रहा है माई, कितना रात हम सो ना सकनी माई। माई शुभा ममता, ओ तो तू हवा रवा रवा, तू के बोलत रही? ये हमार लड़का है, हमार शुभो। देखी देखी ये हार, देखी ये हुए हार है। तुम्हें याद बा ये हार? देखी हम दोनों ये हार मिलके खरीद ले रही। तू तू हमार शुभ हवा, हमार बेटा ममता। हम कबो भगवान पे विश्वास न कैली, लेकिन तुहार भगवान के बुला के कहे की इच्छा हो रहा बाकी भगवान तू हमार सब कुछ छीन लेला, लेकिन सबसे अनमोल चीज लौटा देला हमरा तू, हमार लड़का ना। ससंग चौधरी, हम तुहार लड़का ना है, तू हमार बाप ना हुआ। का बोलत हवा तू? अपन बाबूजी से ऐसे बात करल जाला? बाप देकर बाप, वो बाप जे अपन स्वार्थ के खातिर दूसर के लड़का के अपन लड़का बना ले, फिर मतलब पूरा होते के जूता की तरह बाहर फेंक दे ले। अभी अपना लड़का के साथ ऐसा ना करिए, एकर का गारंटी है हमार बेटा? बस ई नाम हम तोरा मुंह से ना सुनना चाहे थे मिस्टर ससंग चौधरी, ई नाम से सिर्फ माई हमरा के बुला सकेली। हमरा के माफ नहीं कर सकत बेटा, अपन ही अभागा बाप के माफ करके लौट आवा हमरे साथ। तोरे जैसे मतलबी आदमी के माफ करके लौट आना वो महान आदमी के अपमान कई जैसन होई, जे गुंडा आदमी के प्यार देके इंसान बनावलस। गुंडा रहले पर पता ना का करती, मगर हम भी इंसान है, यही खातिर तुम्हारी पेशकश हम लौटावत है। काहे कि हमरा खातिर तोरा से बढ़ हमरा भाई के सम्मान ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ममता ममता ममता, वो घर है ना जहाँ से दरबान तो है धक्का मार के निकाल दे रहे, आज से ही घर तुम्हारे सीमा, और अब एक घर से तुहके क्यों ना निकाल सकेला। आवा वह घर है, ये वह बिस्तर है, देखा देखा कितना नरम है बिस्तर। ये बिस्तर पर हमारा दिव्य निश्चिंत होकर सुतत रहल और भूल जात रहल अपने भैया के एक एक दिन का प्यार मोहब्बत। देखा ओकर भौजी अकेले बैठ के रोवत होई, ओकर भैया जेल खाना में बैठ के बड़ा बना सपना देखत हो, हमारू भाई अपना के बेच के यही बिस्तर पर निश्चिंत होकर सूत जात रहल और भूल जात रहल। हमारू देखब सीमा कि का बात है बिस्तर में जब निश्चिंत होकर आदमी सूत जाला और भूल जात रहल प्यार मोहब्बत। आवा है ना, आवा आज से घर का हर एक चीज के मालिक हो तू, आज से घर में तू रहबू बैठबू घूमबू जौन मर्जी है करबू। ना जहाँ हमार दिब्बो ना होई ओ घर में हम ना रहब। सीमा अगर देवी के चाहत है तो हम कितनी बुला दी, हम क्यों कुछ ना चाहे, कुछ भी ना चाहे, कुछ भी ना चाहे। तोरे और हमरे में ही एक फर्क है सीमा, तू रो सकेलू हम रो भी ना सकेली, हंस भी ना सकेली, हम तो सिर्फ जल सकेली। जौन शशांक चौधरी करोड़ों रुपए का व्यापार यही हाथ से कैलस, आज वो एगो ब्रीफकेस हाथ में लेके कूली के कारण रास्ता के भिखारी बन गई बा। दत्ता एक बात कही सर, तू और का कह दत्ता, हम तो अपन सब कुछ खो दे ली, अब कि सब कुछ मिल जाए सर, अपन कंपनी फैक्ट्री घर सब कुछ
सब कुछ वापस पा सके थे आप सर। खाले शंभुनाथ राय के सपना पर एगो वार के लेके जरूरत बा सर। करा वार। देखा जाते के साथ भैया के पैर पकड़ लिया, भैया माफ कर दिया, समझ लिया ना? हाँ बोलो। भैया। रानी। दीदी के गुंडा लोग उठा के ले गई। भैया दीबो के कुछ गुंडा लोग उठा के ले गए। तू यार देखा, हम और देखा थे। चमत्कार चौना के तू मारे के चाहत रहा, आज उहे तोरा के मौत के मुंह से बचौले हा। अगर हम उनके जगह रहती ना त
ततहरा पर इतना रहम ना करती, लेकिन वो महान हवे। जौन तोहरा जैसन गिरल इंसान पर रहम करे में वो जरा भी संकोच ना कहले। तू भाग्यवान हवा दिब्बो, भैया पर जौन दया करके तू 56,620 रुपया देले रहला। तोहार उहे दया पर आपन आशीर्वाद स्वरूप 56,06,02,000 रुपया और अपन सब चल अचल संपत्ति तोहरे नाम कर दे। दिब्बो, हजारों साल तपस्या कैले पर ही इराम जैसन भाई मिलेला। राजा भाई, हमार भैया कहाँ है? राजा भाई, राजा भाई बोला ना, राजा भाई हमार भैया कहाँ है? हमार भैया कहाँ है बोला ना। आवा हमारे साथ आवा, चला। अकेला भैया, हमकी संपत्ति ना चाहिए भैया, तो उसे मूल्यवान चीज दूसर हमारे लिए कुछ नहीं है भैया। हमके कुछ ना चाहिए भैया, हमके और कुछ ना चाहिए। हमको माफ कर दो भैया, हमको माफ कर दो। हम गैली नहीं रे, तोरे खो गले के डर से हम खुदा कहीं खो गए। आज हमें सब कुछ मिल गए। चल घर जा। रुकिए रुकिए रुकिए, सिर्फ दिब्बो अकेले नहीं कन, हमू बानी। आज से आपके दो भाइयन के बोझ उठावे के पड़ी। उठा पाएगा? कुली नंबर 440 हाई बोल्टे, झटका देले पर पटक दिला। Ha 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 ha!